हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, हम आपका क्या पढ़ा रहे हैं आपको पता ही है, बीए सेकंड ईयर का प्राचीन इतिहास का पेपर टू का चैप्टर नंबर वन। पिछली वीडियो हमारी पहली वीडियो थी बीए जो है सेकंड ईयर के प्राचीन इतिहास के सेकंड पेपर पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप जाकर के देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का एक पार्ट हमने कवर किया हुआ है। क्योंकि चैप्टर नंबर वन या आप कह सकते हैं पोर्शन नंबर वन आपका यही था वर्ण और जाति व्यवस्था, जिसमें से हमने आपका जो ये फर्स्ट पार्ट था वर्ण व्यवस्था, इस पर हमने पिछली वीडियो डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज चैनल विजिट करके आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अभी हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में जाति व्यवस्था के बारे में। जाति व्यवस्था क्या है, कैसे है, इसका उदय कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं, इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए और आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो डेफिनेटली अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप जिंदगी में एफर्ट लगाते हो तो आप आगे जरूर जाओगे। तो एफर्ट करना, मेहनत करना कभी मत छोड़ना और चीजों को सीखना स्टार्ट करो। कि लर्निंग के लिए आप जो पढ़ रहे हो ना, ये एग्जाम में बस लिखने के लिए मत पढ़ना, इसको सीखो, एब्जॉर्ब करो और इससे अपना माइंडसेट डेवलप करो। जब आप डेवलप कर जाओगे, आप जिंदगी में कुछ चीजें सीख करके आगे बढ़ जाओगे ना, डेफिनेटली वो चीज आपकी हेल्प आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है आपकी लाइफ में। देखो बात करते हैं हम प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था के बारे में, कि जाति व्यवस्था क्या था, कैसे था। तो हम अगर बात करें भारत में जाति व्यवस्था का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। आप देखोगे ऋग्वैदिक काल से ही जाति व्यवस्था के बारे में बातें की गई हैं, लेकिन आधुनिक अर्थ में जो ये जाति शब्द है ना, इसका प्रयोग वैदिक ग्रंथों में देखने को नहीं मिलता है। कि आधुनिक अर्थ में जो हम जाति का प्रयोग देखते हैं ना, वो हमें वैदिक ग्रंथों में देखने को नहीं मिलता है। यद्यपि जो ऋग्वेद है उसमें तमाम सारी जातियों के बारे में उल्लेख किया गया है, अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो उसमें कई जातियों का उल्लेख किया गया है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक वाप्ता जाति का किया गया है जो कि नाइयों को कहा जाता था वाप्ता, तास्ता कहा जाता था बढ़ई को, भीषक कहा जाता था किसको, वैद्य को, करमार कहा जाता था किसको, लोहार को। तो इस तरह से कुछ मतलब एक व्यवसाय के आधार पर इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है, लोहार के बारे में, नाई के बारे में, वैद्य के बारे में, जो है बढ़ई के बारे में, इनके बारे में क्या हुआ डिस्कस किया गया है, या कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं ऋग्वेद में। जाति शब्द के बारे में बात किया जाए, ये जाति वर्ड आता है ना, ये जाति शब्द जो है इसकी व्युत्पत्ति या उत्पत्ति संस्कृत भाषा के जन धातु से हुआ है। कौन से धातु से, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट या ऑप्शनल कभी कभी पूछता है तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे फर्स्ट पेपर में भी। तो जन धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है प्रजाति या जन्म भेद। क्या होता है जाति का अर्थ, प्रजाति या जन्म भेद। भारतीय जाति व्यवस्था को अंतर्विवाही समूह कहा जाता है, यानी कि भारतीय भारत की जो जाति व्यवस्था है इसको क्या कहा जाता है, अंतर्विवाही समूह। अंतर्विवाही समूह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जो जातियां होती है ना वो आपस में ही विवाह का संबंध उनमें होता है। यानी कि कोई अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से ही विवाह करेगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रियों में ही होगा, वैश्य है तो वैश्यों में ही होगा, अगर शूद्र है तो शूद्रों में ही होगा, या फिर मतलब इसी तरह से अलग जो रिलीजन्स अगर आप बात करोगे जैसे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, आपस में जो है अंतर समूह के बारे में बात किया गया। तो भारत का जो प्राचीनतम भारतीय व्यवस्था है उसको अंतर्विवाही समूह कहा जाता है। और इस जाति की जो सदस्यता है, इसकी सदस्यता ये आपको जन्म से मिलती है, यानी कि आपको वंशानुक्रम के हिसाब से मिलता है, वंशानुगत, यानी कि जिस वंश में आपने जन्म ले लिया वो आपकी जाति की पहचान बन जाती है कि आप उस जाति से रिलेट करते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो ये है बेसिकली जाति व्यवस्था के बारे में, कि जाति व्यवस्था ये है, ऐसे स्टार्ट हुआ। अब बात करते हैं जाति व्यवस्था शुरू कैसे हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या इंपॉर्टेंस थी जाति व्यवस्था की, उसके बारे में बात करेंगे, विशेषताओं के बारे में। लेकिन उत्पत्ति के लिए कौन कौन से सिद्धांत सामने आते हैं कि जाति व्यवस्था कैसे उत्पत्ति हुआ। तो भारतीय जाति व्यवस्था के उद्भव के बारे में अगर बात करें तो भारतीय जाति व्यवस्था के उद्भव में के संबंध में धर्म शास्त्रों में और समाज शास्त्रियों में, यानी कि जो हमारे धार्मिक बुक्स हैं उसमें और जो समाज शास्त्रियों ने इसके बारे में अपना रिसर्च किया हुआ है, इनमें भिन्न भिन्न मतों का प्रतिपादन किया गया है। समाज शास्त्रियों ने अपने मत दिए हैं, धार्मिक शास्त्रों ने अपने मत दिए हैं, तो इनमें क्या होता है भिन्नता पाई गई है, जो कि कुछ इस प्रकार से है, इस टाइप से है। कौन कौन से टाइप है उसके बारे में आओ देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका परंपरागत या वैदिक सिद्धांत। यानी कि जाति निर्माण का परंपरागत या वैदिक सिद्धांत एक तरीके से जाति व्यवस्था का वो सिद्धांत है जो कि हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, वर्ण सिद्धांत। यानी कि ये एक हद तक क्या होता है, जो वर्ण सिद्धांत था, वर्ण का दैवीय सिद्धांत था कि वर्ण कैसे हुआ, उसी तरीके से ये जाति सिद्धांत भी डेवलप किया गया है या कहा गया है कि जाति कैसे बनी। और इसके लिए भी वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही बांटा गया है कि जातियां ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और
सॉरी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ही के रूप में बटे हुए हैं, और इनके बटने के पीछे भी कारण वही बताया गया है कि ब्रह्मा जो है सृष्टि के रचयिता थे, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, उनके बाजुओं से क्षत्रिय निकले, जांघों से वैश्य निकले, पैरों से शूद्र निकले, और इसी तरीके से जो निकले और जो एक डिजाइन कर दिया गया और उसी के आधार पर वो अपना काम कर रहे हैं। तो जाति व्यवस्था का एक परंपरागत रूप जो वर्ण व्यवस्था के रूप में चला आ रहा था वही क्या हुआ, जाति व्यवस्था में आ गया, और धीरे धीरे इसी जाति व्यवस्था में ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय, तो ब्राह्मणों का भी आपस में कुछ जो है कुछ ब्राह्मण अलग ब्राह्मण में आपस में विवाह संबंध से कई सारी उपजातियों का निर्माण होता है। सॉरी, अब बात करते हैं दूसरा सिद्धांत के बारे में बात किया गया है। यह सिद्धांत है आपका ब्राह्मणवादी सिद्धांत, यानी कि जाति व्यवस्था का ब्राह्मणवादी सिद्धांत में क्या डिस्कस किया गया है। तो इस पर विचार रखते हुए डुबायस महोदय कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों के हित में ब्राह्मणों ने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए एक सिद्धांत डेवलप किया जिसको कहा गया जाति व्यवस्था। एंड ब्राह्मणों ने इसमें अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, अपनी राजनीतिक स्थिति को, अपनी पावर की स्थिति को, अपनी इंटेलेक्चुअल बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए एक व्यवस्था का निर्माण किया गया जिसको कहा गया जाति व्यवस्था, जिसमें इन्होंने कई सारे टॉपिक्स में बांटा कि उनको कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी कि उनको मुझे लोग रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें। तो अपने आप को उन्होंने कुछ ऐसे कर्मकांडों में ढाला कि हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम बहुत स्पेशल हैं, हम बहुत विशेष हैं, हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और जो समाज में अलग अलग हैं उनको मतलब हमारे लिए काम करना चाहिए, यानी कि ब्राह्मण हम हैं तो क्षत्रिय हमारी रक्षा करेगा, वैश्य हमारे लिए काम करेगा, यानी कि वो काम करके जो भी वो कमाता है उसका कुछ हिस्सा हमको ला करके देगा, उसके बाद जो शूद्र होंगे वो तो हमारी सेवा के लिए ही बने हैं। तो इस तरीके का एक सिस्टम डेवलप किया गया। एंड इस पर अपना विचार रखते हुए धुरिये महोदय भी कहते हैं, इस पर डॉक्टर धुरिये भी कहते हैं कि यह ब्राह्मणों की अपनी सोची समझी एक चाल थी कि ऐसे हम समाज को ड्राइव करेंगे, क्योंकि आप देखोगे प्राचीन समय से ही ब्राह्मणों में जो लर्निंग का सीखने की स्किल है, और उन्होंने ही जो भी आप देखोगे जितने भी ग्रंथ देखोगे उन्होंने ही रचा हुआ है। अब उन्होंने लिखा और अपने हिसाब से लिखा है और अपनी चीजों को ही उसने सामने रखा गया है, तो अपने अकॉर्डिंग जो इन्होंने धर्म को या जातियों को डिफाइन कर दिया है ब्राह्मणों ने, वो कहलाता है आपका ब्राह्मणवादी सिद्धांत। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा ट्रैप है, और भारतीय समाज इसमें बहुत समय तक बचा रहा, एंड अभी फाइनली उससे धीरे धीरे लोग क्या हो रहा है बाहर निकल पा रहे हैं और कुछ अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपना समझ का यूज कर पा रहे हैं। आगे बात करते हैं, अगला सिद्धांत है आपका धार्मिक क्रियाओं और कर्मकांडों का सिद्धांत। धार्मिक क्रियाओं और कर्मकांडों का सिद्धांत में विचार कहें हेकार्ट और सेनार्ट। हेकार्ट और सेनार्ट महोदय ने इस पर अपना विचार रखते हुए कहा हुआ है कि जो भारतीय समाज है ना, ये प्राचीन समय से ही कुछ धार्मिक कर्मकांडों में फंसा हुआ है, चाहे वो ब्राह्मणवादियों का योगदान रहा हो या फिर दैवीय सिद्धांत का जो वर्ण व्यवस्था का या जाति व्यवस्था का सिद्धांत है, इनका योगदान जो रहा हो ना, कि जो भारतीय समाज है वो धार्मिक कर्मकांडों में बना रहा है। तमाम सारे देवी देवताओं की बात की जाती है, अलग अलग देवी देवता हैं, तो उन देवी देवताओं को बलि दिया जाता है, जानवरों की बलि जाती है, और ये काम जो है ये ब्राह्मण नहीं करना चाहते थे, ये ब्राह्मण नहीं चाहते थे कि ये काम हम करें, तो वो चाहते थे कि ये जो क्रिया का कर्म है, ये कर्मकांड है, ये लोग करें या छोटे लोग जो दूसरे हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को अलग करके कि हमारा ये काम नहीं, हमारा काम है शिक्षा देना, हमारा काम है बताना, और करने वाले तुम लोग हो, और तुम लोग ये करोगे, चाहे जैसे जानवरों की बलि चढ़ाना हो गया, उनका चमड़ा निकालना हो गया, तो सारा काम शूद्रों का हो गया, बिजनेस का काम, व्यवसाय का काम जो है वैश्यों को दे दिया, क्षत्रियों को अपनी रक्षा के लिए रख लिया। तो इस तरीके से जो कर्मकांड है और ये काम जो करने लगे, और उनको एक काम डिफाइन कर दिया कि ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, और उसके आधार पर जो काम करने लगे, तो इन कर्म कांडों के आधार पर भी जातियों का निर्माण हुआ और अलग अलग जातियां बनी। आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर का, इसमें जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है आपका उद्विकासीय सिद्धांत। इस पे उद्विकासीय सिद्धांत पर सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हुए नेसफील्ड महोदय कहते हैं, इन्होंने कहा है कि समाज जो हमारा बना हुआ है ना, या हमारी जो जाति व्यवस्था बनी हुई है, ये बनी हुई है व्यवसाय के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय के आधार पर ही जातियां बनी हुई हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, जो व्यवसाय को उसने चूज किया है, उसका धर्म, उसकी जाति वही हो जाएगी, वो उसी जाति का हो जाएगा जिस जाति पर उसने काम करना स्टार्ट किया, जिस जाति का वो व्यवसाय कर रहा है वो उसी जाति का होता चला जाएगा, और उसमें उसके किसी धार्मिक पक्ष का जो है, राजनीतिक पक्ष का, ब्राह्मणवादी पक्ष का, कर्मकांड पक्ष का कोई योगदान नहीं है। तो इस पर अपना विचार रखते हुए, इसके इनके पॉइंट को नेग्लेक्ट करते हुए, क्योंकि ये चीज जब इन्होंने कहा तो इनकी आलोचना भी किया गया, और इनकी आलोचना करते हुए जो है डॉक्टर मजूमदार जो थे उन्होंने कहा कि जो है इनका विचार तो ठीक है, ठीक कहा इन्होंने कि व्यवसाय के आधार पर बटा हुआ है, लेकिन इन्होंने भारतीय जो परंपरा थी, भारतीय जो विकास था, भारतीय जो उद्विकास हुआ, उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया है।
भारत में जो कर्मकांड हुए, जो ब्राह्मणवादिता थी भारत में, भारत में जो शुरुआत से वेदों की तरफ रुझान जो रहा, ये सबको इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। इन्होंने केवल कहा व्यवसाय के आधार पर है। तो बेसिकली मजूमदार का जो ये इनका कथन था निस्फील्ड का, ये कहीं ना कहीं इनका जो ये सिद्धांत था ये काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा, क्योंकि इन्होंने व्यवसाय के आधार पर, जो कि अभी आज के टाइम से भी अगर आप मैच करने जाओगे तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको मैच करती हुई दिखेगी कि हाँ, जो मजूमदार जो निस्फील्ड ने कहा हुआ है वो व्यवसाय के बेस पर है, लेकिन धर्म भी कहीं ना कहीं, या रिलीजन या कास्ट सिस्टम या फिर मतलब जो भी चीजें हैं वो भारतीय परंपराएं कहीं ना कहीं उसमें योगदान देती हैं। तो इसलिए इनका जो जो ये सिद्धांत था ना, ये काफी महत्वपूर्ण रहा। इस वजह से इनके जो सिद्धांत है इसकी आलोचना थोड़ा कम किया गया, बहुत कम मात्रा में इनकी आलोचना किया गया, बस वो भारतीय जो परंपरा है उसको निग्लेक्ट करने के लिए इनकी आलोचना किया गया। अगला आता है आपका फिफ्थ नंबर पर प्रजातीय सिद्धांत। प्रजातीय सिद्धांत के बारे में बात करते हुए रिजले महोदय कहते हैं कि जो ये प्रजातीय सिद्धांत है ना, ये भी कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इन्होंने कहा कि जो भारतीय परंपरा थी या भारत में रहने वाले लोग थे, इन्होंने कहा गया कि ये जो लोग थे ना ये भारत में रहते थे, लेकिन जो बाहर से फारस से वहां से आर्य लोग आए, ये अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए इन्होंने कहा कि हम अलग हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये लोग छोटे, मतलब उनको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया गया, और कहीं ना कहीं वो आपस में शादी विवाह के संबंध से भी कई सारी उपजातियों का निर्माण हुआ और यहीं से जाति व्यवस्था का जन्म हुआ, जो कि प्रजाति के आधार पर हुआ, और धीरे धीरे जन्म के आधार पर वो चीजें होने लगी। तो इस तरीके से प्रजाति के आधार पर इन्होंने कहा रिजले महोदय ने कि जातियों का उद्विकास हुआ है। ब्राह्मणवादिता पर बहुत ज्यादा जो है जोर दिया गया है कि ब्राह्मणों ने कहा गया कि ये जो जाति व्यवस्था है ना, कहीं कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का बच्चा है जो कि गंगा और जमुना के मैदानों में खेल कूद करके बड़ा हुआ और पूरे देश में फैल गया ये चीज। तो इस तरीके से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को लेकर के ये सारे सिद्धांतों के बारे में बात किया गया। अब जो ये जातियां बनी, इन जातियों के विभाजन का आधार क्या था, किन आधारों पर इन जातियों का विभाजन किया गया, क्योंकि शुरुआत में सभी कहा जाता है शुरुआत में सभी ब्राह्मण थे, लेकिन धीरे धीरे उनके कर्मों के आधार पर, उनके योग्यताओं के आधार पर, अलग अलग चीजों के आधार पर उनका क्या हुआ, विभाजन हो गया। आज हम अगर जातियों के बारे में बात करें तो उनका विभाजन किन आधारों पर किया गया है, तो सबसे पहले बात करते हैं जनजातीय और आदिम जातियों के बारे में कि जनजातीय ये जनजाति है, ये गौड़ जनजाति है, ये जो है अलग जनजाति है, ये अलग जनजाति है, ये आदिम जनजाति है। तो इस आधार पर भी क्या किया गया, जातियों का विभाजन किया गया कि ये आदिम जाति है या फिर जनजाति है, ये जनजाति है। तो जनजातियों के आधार पर और आदिम जातियों के आधार पर जो विभाजन किया गया ये एक हो सकता है। दूसरा है आपका व्यवसाय के आधार पर निर्मित जातियां, यानी कि वह जातियां जो अपने व्यवसाय के आधार पर निर्मित हो, जैसे कि कई सारे जातियों के बारे में यहां हमने डिस्कस किया होता, नाई हो गया, बढ़ई हो गया, वैद्य हो गया, लोहार हो गया, मतलब जो ये काम कर रहे हैं इसके आधार पर इनको बांट दिया गया कि हाँ ये लोहार है, ये नाई है, ये वैद्य है, या ये फिर आपके बढ़ई है। तो इस आधार पर जो बांटा गया वो कहलाता है आपका व्यवसाय के आधार पर जातियों का विभाजन। अगला आता है आपका धर्म और संप्रदाय के आधार पर जातियों का विभाजन। अब आप देखोगे दुनिया में कई सारे रिलीजन्स आए, जो है हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, यहूदी है, बहुत सारे धर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। तो धर्म के आधार पर भी बांटा गया कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख है, मतलब उस आधार पर जो विभाजन हुआ वो कहलाएगा धर्म और संप्रदाय के आधार पर विभाजन। अगला है आपका वर्णासंकर जातियां, यानी कि वे जातियां जो वर्ण के आधार पर बट करके बनी, वो विभाजन कहलाएगा आपका वर्णासंकर विभाजन। अगला आ जाता है आपका राष्ट्रीय भावना से बनी जातियां, यानी वे जातियां जो कि एक राष्ट्रीयता के आधार पर बन जाती हैं, जैसे कि अगर चीन में रहने वाले हैं तो ये चीनी है, भारत में रहने वाले भारतीय हैं, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकी हैं, फ्रांस में रहने वाले फ्रांसीसी हैं, तो उनकी एक जाति बन गया, एक पहचान बन गया उनका, तो वो कहलाता है आपका राष्ट्रीय भावना के आधार पर बनी जाती है कि हम भारतीय हैं, हम चीनी हैं, हम इंडियन हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम न्यूजीलैंडी हैं। तो मतलब कि अपनी राष्ट्र के आधार पर एक भावना, एक सामूहिकता की जो भावना उठती है और उस आधार पर जो जाति बनती है वो कहते हैं राष्ट्रीय भावना के आधार पर बनी जातियां। अगला है आपका रीति रिवाजों से बनी जातियां, यानी कि कुछ रीति रिवाज को एक तरीके से फॉलो करने वाले लोग एक अलग जाति के रूप में कहे जाते हैं, कि जैसे आप देखोगे बहुत सारे अगर उपजातियों में एक सब कैटेगरीज में आते हैं कि इनको मानने वाले, इस धर्मगुरु को मानने वाले लोग हो गए, कोई एक ही रिलीजन में कई सारे धर्मगुरु होते हैं और उनको मानने वाले लोगों को अलग अलग संप्रदाय का कहा जाता है। आप देखोगे हिंदू में ही वैष्णव संप्रदाय हो गया, शिव संप्रदाय हो गया, ब्रह्म संप्रदाय हो गया, कई सारे संप्रदाय आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से इन आधारों पर इनका जो है विभाजन किया गया और इन आधार पर जातियों का विभाजन हुआ। अब बात करते हैं जाति व्यवस्था की विशेषताएं क्या, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जाति व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। तो आइए समझते हैं जाति व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में।
तो जाति व्यवस्था की पहली विशेषता यह है कि जाति व्यवस्था में जातियों के भिन्न भिन्न समूह रहते हैं। ये जातियां खंडों में विकसित होकर के समाज में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। यह एक प्रकार के समाज का क्या है, खंडीय विभाजन होता है। दूसरी विशेषता यह है कि जाति प्रथा में ऊंच नीच की भावना रहने से उनमें श्रेणीयता होती है। नीच जाति का ऊंची जाति के स्तर तक पहुंचना अत्यंत कठिन होता है। सामाजिक वैषम्यता के कारण ब्राह्मण सबसे उच्च होता है और शूद्र जातियां क्या होती हैं, निम्न होती हैं। तीसरी विशेषता के बारे में बात किया जाए तो जातियों में भोजन और सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण होता है। जातियों का एक दूसरी जाति को भोजन और पानी ग्रहण करना और ना करना जाति की महत्वपूर्ण विशेषता और व्यवहारों के अंतर्गत आता है। खान पान के विभिन्न जातियों एवं दूसरों से जो है प्रतिबंध रखती हैं। चौथा विशेषता बात किया जाए तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक जाति का अपना एक वंशानुगत और परंपरागत व्यवसाय रहा है, जिसका वो पुरातन काल से अनुसरण करती आ रही है। एक जाति दूसरे जाति का कर्म अपनाने का कार्य नहीं करती है। दूसरे के कर्म को अपनाने के संबंध में कठोर नियंत्रण रखा गया है। पेशे और व्यवसाय के कारण समाज में हर जातियों की अलग अलग परिस्थिति बनी हुई है। हम पाते हैं समाज में जातियां जो हैं व्यवसाय प्रायः निश्चित होती हैं। पांचवी विशेषता के बारे में बात किया जाए जातियों की, तो जातियों में सर्वाधिक कठोरता के साथ वैवाहिक संबंधों पर नियंत्रण रखा गया है। जातियां अंतर्विवाही होती हैं। ये विवाह संबंध अपने ही जाति में करते हैं। अपनी ही जाति में विवाह के नियम का पालन अत्यंत कठोरता के साथ किया जाता है। अंतर्विवाही ही वेस्टरमार्क महोदय ने जाति व्यवस्था का सार मान लिया है। अंतर्विवाह के प्रथा के पीछे जातियों का यह उद्देश्य रहा है कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहे और वो हमेशा रहें। सिक्स नंबर अगर विशेषता के बारे में बात किया जाए तो मनुष्य के जाति का निर्धारण उसके जन्म से ही माना जाता है। जिस जाति में व्यक्ति का जन्म होता है वही उसकी जाति होती है। इसमें किसी भी प्रकार का जो बदलाव है वो संभव नहीं है। तो इस तरह से ये सारी विशेषताएं क्या है, एक जाति व्यवस्था की ये सारी विशेषताएं कहलाती हैं और एक जाति व्यवस्था के अंतर्गत हमें ये सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि जाति व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था के कौन कौन से सिद्धांत हैं, किन आधारों पर जातियों का विभाजन किया गया, जातियों की विशेषताएं क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। इससे पहले वीडियो में हमने इसी तरीके से वर्ण व्यवस्था के बारे में डिस्कस किया हुआ था। अब आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर क्या है। तो इस वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड आप चीजों तक को पा सकें एंड एक्सप्लोर कर सकें और चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।